जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसों के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास, आईनी तरमीम के मुसविदे के बुनियादी निकात पर गौर। आईनी तरमीम हरगिज अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। शरी रहमान। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी इकाइयों की मुसाफी नुमाइंदगी हो। हमारी तजवीज़ है कि जजों की तकर्री का अमल जो जजों के जरिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, पीपल्स पार्टी का मुसविदा भी शेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाप्त करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। और कराची डिफेंस खैबान शहर में नेशनल ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन फट गई, खाम तेल सड़क पर फैल गया। पुलिस ने मुतासर इलाके को सील कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और पीसीबी अहदेदार शरीक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कप्तान के नाम पर भी गौर होगा। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मिशन, खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामानी खसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुजवजा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। मुजवजा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय ना हो सका। आईनी तरामीम से मुतालिक मुसविदे पर गौर के लिए 5 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील। वज़ीर कानून आज़म रज़ीर तारर सरबराह मुकर्रर, नवीद कमर, बैरिस्टर गोहर, अनुशे रहमान और कामरान मुर्तजा कमेटी में शामिल। ज़ैली कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसविदों का जायजा लेगी। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में खसूसी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लियामानी खसूसी कमेटी का इजलास पीर को फिर तलब। मौलाना और बिलावल भुट्टो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। नंबर पूरे नहीं होंगे तो आईनी तरमीम नहीं होगी। सारी जमातों के मुसविदों में कोई असूली इख्तलाफ नहीं। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में सिफारिशात खसूसी कमेटी को देगी। PTI के तमाम तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वजीर कानून, अटर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लियामानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मम्लिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकरर भी 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी के जरिए होगा। आईनी तरामीम से मुतालिक हुकूमती मुसविदे के अहम निकात। पार्लियामानी खसूसी कमेटी इजलास में उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं से तलकलामी, अपने अराकीन की गिरफ्तारी और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर सवालात, पुरअम एहतजाज हमारा हक है, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई, पुरअम मुजाहरीन पर जुल्म किया गया, चंद शख्सियात के लिए आईनी तरामीम हो रही है, ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का एतराज। इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बाद में कर लें। आईन की हदूद में गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज है जिसका हल नहीं? आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकता है। बुनियादी तौर पर 4 से 5 तरामीम पर बात हो रही है। जो ड्राफ्ट दिया था उस पर गुफ्तगू हुई है। 3 दिन का वक्फा मांग लिया गया है।
अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है, आजम नसीर तारर का जवाब। पाकिस्तान शंघाई तावुन तंजीम के सरबराह इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिन्हा कन्वेंशन सेंटर का दौरा। एस सी ओ इजलास के इंतजाम का जायजा। वजीर आजम को चेयरमैन सी डी ए वजारत खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वजीर आजम का शंघाई तावुन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। एस सी ओ इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वजरा आजम शिरकत करेंगे। काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़रा आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत के वज़ीर ख़ारजा एस सी ओ में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी तआवुन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। अफगानिस्तान शंघाई तावुन तंजीम के इजलास में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान को एस सी ओ सेक्रेटरीट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर एस सी ओ चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान एस सी ओ का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है, रुकनियत गैर फाल है। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। दुश्मन पीटीआई को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इख्तदार में आने के बाद पीटीआई का पहला निशाना सीपैक था। शंघाई तावुन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए अपना एहतजाज खुदा के लीड करें और इस दफा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पीटीआई ने मुल्की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे, असमा बुखारी की वार्निंग। पीटीएम और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशत गर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी पीटीआई ऐसे रिहा नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर तमिल फिल्मों के हीरो से भी चार हाथ आगे निकल गए हैं। पीटीआई ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। एस सी ओ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर-ए-इत्तला'आत पंजाब पीटीआई की एहतजाजी सियासत पर बरहम।